फिल्म स्टूडियो सेटिंग एंड एलाइड मजदूर आखिर क्यों करा रहा है चुनाव? फिल्मी दुनिया में खलबली तब मच जाती है जब कोई सितारा चमकता है या फिर गिरता है, लेकिन इन सितारों को बुलंदी तक ले जाने में जितना सहयोग उनका खुद का होता है उतना ही उनके साथ और पीछे काम करने वाले मजदूरों का भी होता है। लेकिन आज यही मजदूर अपने हक के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भर रहे हैं। क्यों अक्सर ऐसे मजदूर का हक छीन लिया जाता है? इस बार ये नॉमिनेशन क्यों भरा जा रहा है? किस परेशानी का सामना कर रहे हैं एलाइड मजदूर, जानते हैं उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, मैं विनय पांडे INCNewsOnline.com से। आज हम लोग जोगेश्वरी पूर्व विधानसभा जोगेश्वरी में आए हुए हैं। यहाँ पर एक अनोखी चीज़ चालू है जिसे फिल्म स्टूडियो सेटिंग एंड एलाइड मजदूर यूनियन को लेके एक नॉमिनेशन चालू है कि आने वाले चुनाव कराएंगे और चुनाव कराने के बाद इन लोग पोस्ट जनरल सेक्रेटरी हो या वाइस प्रेसिडेंट हो इसका निश्चय करेंगे। ये वही लेबर्स हैं जैसे आप बहुत सारे सीरियल्स देखते हैं, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सास बहू, हमने काफ़ी सीरियल्स, उसमें जो सेट्स बनते हैं वो लेबर्स हैं ये जो मजदूर का काम करते हैं। और इन्हीं के साथ में यहाँ पर गंगाराव चौगले जी हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं। आइए उनसे पूछते हैं। गंगाराव चौगले जी, चुनाव कराने की प्रक्रिया क्या है आप लोगों की? एक्चुअली देखिए सर, चुनाव जो है ना हमारा 2013 से आज तक चुनाव हुआ नहीं था। जिस मामले में आज लोग जितने आज इलेक्शन के बारे में जो लोग सोच रहे हैं ना, तो लोगों ने वोट करके उनको 2013 के बाद आज पहली बार मौका मिल रहा है कि हम लाके वोट करें। जिस हिसाब से आज वोटिंग का जो सिलसिला चल रहा है ना, तो लोग तागीमान हो चुके हैं गंगेश्वर श्रीवास्तव के अत्याचार की वजह से। गंगेश्वर श्रीवास्तव ने सारा पैसा जो मैं खुद जनरल सेक्रेटरी 2013 में था, मैंने उनके हाथ में 30,72,00,000 रुपये दे दिया था। उसके बाद वो पैसा किधर गया वो हमको नहीं मालूम है। उसके अलावा उनके बाद में हर साल 50 करोड़ 60 करोड़ 45 करोड़ ऐसा पैसा आता था, वो कहाँ गया मालूम नहीं है। कितना क्या गया, इतना मतलब लोगों का पैसे का जो उन्होंने जितना घपला किया है। मैं चाहता हूँ कि आज ये माध्यम से जो चुनाव हो रहा है, मैं सारे लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, उन्होंने जो पैसा लोगों का खाया है उसे एक एक पैसा वसूल करें, ताकि तभी तो सारे लोगों को वो मिलेगा कि ये हम लोगों ने हमारा पैसा जो कहा गया ये मेहनत का पैसा है। ये मेहनत जो करके जो लोग हैं ना, जो हम लोग सब अंधेरे में रहते हैं, पर्दे के पीछे वाले लोग हैं, पर्दे के पीछे हम लोग काम करते रहते हैं, मगर हम पर्दे, ये वही बॉलीवुड की दुनिया है जो पर्दे पर आप देखते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे यही बॉलीवुड बनाते हैं। पर्दे के पीछे हम लोग काम करते हैं। देखिए सर, एक बात बताओ, आज ये मेरा स्पॉट बॉय है, ये सेट पे जब जाता है ना, तो सेट पे किसको क्या चाहिए, पानी चाहिए, चाय चाहिए, किसको चाय कम्बल चक्कर चाहिए, खाना कब चाहिए, इसको मालूम होता है। शायद घर में अपनी बीवी को नहीं मालूम होता है, उससे ज़्यादा मेरा स्पॉट बॉय को मालूम पड़ता है कि उसकी वो अहमियत क्या होती है। हम लोग सेट लगाते हैं, शटिंग वर्कर सेट में काम करते हैं ज़रूर। शटिंग में वर्कर जब सेट में काम करता है तो बड़े बड़े सेट महल में लग जाते हैं, मगर वो महल पे जब वो काम करते तब उनको लगता है कि हम लोग महल के अंदर हैं, मगर जब घर जाते हैं उनको नहीं मालूम पड़ता मैं किधर हूँ, क्योंकि वही उनका एक महल था जो सेट था। मेरा लाइटमैन ऐसा लाइट लेके हमेशा खड़ा रहता है, हमेशा खड़ा रहता है, 24 घंटा 12 घंटा जो भी है वो अंधेरे में रहता है, वो सबको उजाला देता है, बड़े सलमान खान शाहरुख खान को सबको लाइट देता है, उसके बाद वो स्टार बन जाते हैं। मगर लोगों ने कभी नहीं सोचा कि वो पीछे है, उसके पीछे अंधेरा जो है ना हमेशा कायम रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से जो पैसा मजदूर आशन में आज तक जो पैसा था वो पैसा किधर गया, किस यूनियन में पैसा था इनका? फिल्म स्टूडियो सेटिंग एंड अलाइड मजदूर यूनियन, जिसका गंगेश्वर श्रीवास्तव जनरल सेक्रेटरी, अशोक दुबे अभी चेयरमैन है, राकेश मौर्य जो ट्रेजर है, उनके पास सारा हमारा पैसा गया है। वो पैसा कहाँ गया हमको नहीं मालूम है, उसका हिसाब किताब आज तक आप लोग नहीं मालूम है सर। 30,72,00,000 मैंने अपने हाथों से दिया था, मेरे पास आज भी उसकी सारी रसीट्स है, उसकी सारी एफडी की जेरोक्स मेरे पास आज भी मेरे पास है सारी, जो रसीट है उसमें से कुछ तो पैसा ऐसा था कि दो साल के बाद में डबल होने वाला था। उसमें एक 5 करोड़ की रसीट थी, वो 2013 में जब मैंने दी थी वो 2015 में 10 करोड़ में वाली थी। वो पैसा कहाँ गया हमको नहीं मालूम है, आज वो पैसा कहाँ है नहीं कुछ नहीं पता है। और सब आज कुछ लोग बोल रहे हैं आठ लोगों ने वैसा किया। देखिए सर क्या है, आठ वर्कर दोनों का रिश्ता जो होता है ना, भाईचारे का रिश्ता होता है, आठ काम करता है वर्कर, उसको काम वर्कर की वजह से आठ होता है। मैं ये चाहूँगा जो भी आठ वर्कर का पैसा खाता है वो मेरा हमेशा दुश्मन रहेगा, क्योंकि वो नहीं, मैं नहीं कभी नहीं चाहूँगा कि कोई भी वर्कर का पैसा वो खाए। तो मैं ये चाहूँगा कि जब हम लोग यहाँ पे आते हैं, आर्ट डायरेक्टर और वर्कर दोनों साथ में रहकर काम करेगा, उसके बाद में दोनों का पैसा भी बराबर आएगा, अगर जो भी प्रॉब्लम होगा हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे लाइटमैन और कैमरामैन साथ में होते हैं, मगर अभी क्या हुआ है, कैमरामैन ऑप्शन के पास जितने लोग हैं वो कितना डिमांड करते हैं क्या करते हैं हमें नहीं मालूम होता है। इक्विपमेंट का ओनर होता है, इक्विपमेंट का ओनर लाइटमैन को क्या देता है नहीं मालूम पड़ता है। हर में क्या हो रहा है कि हर एक जगह पर
एक होता है ना बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, ये जो समाज में हम लोग सारे बोलते हैं। आजकल क्या हो रहा है, हमारे जो अस्सियों के सारे मोबाइल है ना, हम लोग छोटी मछली है और बड़ी मछली हमेशा हम लोग को खाती है। तो हम एक कोशिश करेंगे कि कोई भी इसके बाद हमारे लोगों का मतलब दुरुपयोग ना करे, लोगों का हक। ये जो चुनाव नॉमिनेशन आज चालू है, इसके बाद 14 तारीख को चुनाव है, तो चुनाव आने के बाद में सबको पोस्ट पे दिया जाएगा, तो क्या लगता है कि पोस्ट पे आने के बाद में उन मजदूरों का पैसा मिलेगा उनको? सर देखिए, मजदूरों का पैसा मिलना ही हमारा पहला मेन प्रावधान है। सबसे पहला ये है कि पैसा लोगों का मिलना चाहिए, मेहनत कर रहा हूँ। इनका मतलब जो है कि जो पद पे पहले बैठे थे उन पद पे से उनको हटा के नए लोगों को पद पे डाला जा रहा है, क्योंकि उनका पैसा उनको मिल सके। सर वो जो पद पे बैठे थे ना 2013 के बाद, उन्होंने आज तक कभी इलेक्शन किया नहीं है। वो ये फर्स्ट टाइम इलेक्शन हो रहा है, ये पहली बार ऐसा इलेक्शन। इसलिए देखिए आज आपने, आपको मालूम पड़ा कितने लोग फॉर्म भरने में आ रहे हैं, अगर मुझे बताए। आज वो गंगेश्वर श्रीवास्तव लोगों को बोल रहा है इलेक्शन गलत हो रहा है, ये हो रहा है। क्यों भाई, तुमने तो आज तक किया नहीं इलेक्शन, जब हो रहा तुमको तकलीफ किस बात की हो रही है? आज मुझे बात बताइए, पहली बार इलेक्शन हो रहा है 2013 के बाद, जैसा लोग कर रहे हैं दो साल में होना, हर साल दो बार होता है मगर आज तक हुआ नहीं। 2015 में इलेक्शन उसने किया, फेडरेशन ने किया, वही फेडरेशन ने इनको कभी ताबा नहीं दिया। आज वो फेडरेशन का लेके बोल रहे, फेडरेशन ने मना कर दिया। फेडरेशन होती क्यों नहीं मना करने वाली? तो फेडरेशन को मेरा ये सवाल है आपके माध्यम से, फेडरेशन ने आज तक 2013 के बाद उनका इलेक्शन खुलेआम क्यों नहीं किया? बंद कमरे में इलेक्शन करके क्यों जिता के लाए? उनको इतना डर क्या था? कहीं ना कहीं दाल में काला है, क्योंकि ये सब मिले हुए है, सब ये मिली भगत है, ये मिली भगत की वजह सब कुछ हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि लोगों का हक उनको मिलना चाहिए, उनकी रोजी रोटी उनको मिलना चाहिए, क्योंकि यही लोग होते हैं, यही लोग। देखिए एक चौथा स्तंभ जैसा आप होता है ना, आपके माध्यम के पत्रकार या पत्रकार एक चौथा स्तंभ होता है, वैसा जो मेरा मजदूर ही सबसे पहला एक फिल्म, कोई भी फिल्म हमारी बगैर बन नहीं सकती। कोई भी फिल्म हो, डॉक्यूमेंट्री हो, वेब सीरीज हो, कोई भी सीरियल फिल्म हमारी बगैर बन नहीं सकती, तो हम उसका एक अविभाज्य घटक है। सरकार माध्यम से ये भी मैं बोलना चाहता हूँ कि ये सरकार भी, उसके तरफ बहुत सारे लोगों ने, हमारे भाई लोगों ने गंगेश्वर के खिलाफ कार्रवाई की, मगर आज तक उसका कुछ नहीं हो पाया है। मगर हम सब लोग आज, भले हम लोग साथ में अलग अलग इलेक्शन लड़ भी रहे हैं। गंगेश्वरी कौन है ये? एक गंगेश्वर श्रीवास्तव एक माफिया है जो आज जनरल सेक्रेटरी बना हुआ है, विकास दुबे रूपी दुर्दांत अपराधी है। गंगेश्वर श्रीवास्तव, गंगेश्वर श्रीवास्तव सेकंड विकास दुबे रूपी दुर्दांत अपराधी है। विकास दुबे कुछ नहीं है गंगेश्वर श्रीवास्तव के आगे, और आपको उसकी जानकारी में। कौन से पोस्ट पे है वो? वो जीएस के पोस्ट पे, निवर्तमान जीएस, जिसका कार्यकाल खत्म हो गया भारतीय संविधान के मुताबिक 2014 में ही, 24 दिसंबर 2014 को ही उसका कार्यकाल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक कुमार उपाध्याय। कौन से पोस्ट पे है? मैं फील्ड ऑफिसर के पोस्ट पे हूँ, और मैं भी इलेक्शन में खड़ा हूँ। और मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका INC न्यूज़ का, जो आप आए हमारे बीच में और हमारी समस्या को आप मीडिया के माध्यम से जनता के पास तक लेके जाएंगे। और दूसरा मैं धन्यवाद करना चाहूँगा राय साहब सरोज जी का, जिन्होंने अथक प्रयास करके इस चुनाव को सफल बनाने के लिए जी जान लगा दिया है। सामने वाला जो है वो अपना हाथ पांव मार रहा है कि ये चुनाव न होने पाए, लेकिन चुनाव हम लोग करा रहे हैं। और 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति गायब है, और यूपी में बनाई गई है प्रॉपर्टी। बड़ा घोटाला हुआ है CDM के अंदर, सब रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। और उसके खिलाफ 3-3 मुख्यमंत्री, 4-4 पुलिस कमिश्नर बदली हो गए महाराष्ट्र के। आज तक हमारे वर्करों को कोई न्याय नहीं मिला, और आधे लोग तो हमारे साथ में बिकने वाले थे। तो मैं अभी उनको लेबर कमिश्नर से आपने इस चीज में बात की थी? जी, लेबर कमिश्नर से मैंने इस बारे में बात की थी। मैं भूख हड़ताल में बैठा था, तो लेबर कमिश्नर ने संभाजी पाटिल निलंगेकर ने लिख करके दिया था, ये वर्करों का पगार नहीं बढ़ने दे रहा है। कंटिन्यू MOU के आधार पर वर्करों का पगार आज की डेट में 44% बढ़ना चाहिए था, जो नहीं बढ़ रहा है। गंगेश्वर श्रीवास्तव ने 7.5% और मैं इस मीडिया के माध्यम से सारे इंडस्ट्रीज के लोगों को बोलना चाहता हूं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो आए इस चुनाव में, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें। ये चुनाव आपके भविष्य का है, यूनियन के भविष्य का है। और एक बात आप याद रखें कि गंगेश्वर श्रीवास्तव एक ऐसा दुर्दांत अपराधी है जिसके खिलाफ बहुत सारे मामले लंबित पड़े हैं। अवैध हथियार सप्लाई करना, लड़कियां सप्लाई करना, वन विभाग की जमीन बेचना, पेट्रोल पंप लूटना, दारू माफियाओं के साथ साठगांठ करके गरीब लोगों की जिंदगी खिलवाड़ करने जैसे दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। और सबसे बड़ा मामला महाराष्ट्र के पुणे के सबसे बड़े वन विभाग में और बम्बई के सबसे बड़े वन विभाग में पड़ा हुआ वीडियो बना है, जाकर के आप देख लें। आधे से ज्यादा ऐसे केस हैं जो इसके ऊपर ला भी नहीं पा रहे। कौन सी पोस्ट पे है ये, क्या है इसके बारे में पूरा बताइए। ये जनरल सेक्रेटरी था, है नहीं, जनरल सेक्रेटरी यूनियन में था, अपने यूनियन में जनरल सेक्रेटरी था। उनका पूरा नाम बताइए। फिल्म स्टूडियो सेटिंग एंड लाइट मजदूर यूनियन में जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पे लड़के आया,
और जब वो अत्याचार करने लगा, 500 रुपया रोज का पगार पाने वाला जनरल सेक्रेटरी, एक सेकंड, 500 रुपया रोज का पगार पाने वाला जनरल सेक्रेटरी मात्र 3 महीने के अंदर 27 लाख रुपए की रजिस्ट्री कराता है, उसका प्रूफ मैं ला करके यूनियन में दिया, तो उस प्रेम सिंह ठाकुर हमारे अभी चल नहीं पाएंगे बेचारे, अंदर बैठे हैं आप जैसा कि आपसे मैंने मिला उनसे, तो प्रेम सिंह ठाकुर जी ने उसका सारा काला चिट्ठा खोलना चालू किया। तो सबसे पहले अब इसके खिलाफ जितने लोग जाते हैं उसका कार्ड सस्पेंड कर दिया जाता है, लोग इसके कारण आत्महत्याएं कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग चुनाव करा रहे हैं, जिसके लिए हम लोग चुनाव करा रहे हैं, लोग इससे तंग आके इससे आत्महत्याएं भी कर ले रहे हैं, तमाम ऐसे प्रोडक्शन हाउस हैं जो मुंबई के बाहर चले गए इसके आतंक। आप क्या कहना चाहते हैं, आपका नाम बताइए पहले, और कमिटी मेंबर हूँ मैं एलाइड मजदूर यूनियन का। 2016 में मैंने वो संजू श्रीवास्तव को जिता कर मैंने भेजवाया था सब वर्कर मिल के, उसके बाद अब इतना मजदूरों के खिलाफ अत्याचार करना शुरू कर दिया, शोषण करना चाहिए, 2-3 अरब की संपत्ति बनाए, इतना पैसा 500 रुपया का महीना कमाने वाला अभी 3 अरब की संपत्ति उसके पास है। मैं आई एन मजदूरों का ही पैसा है सर, ये मजदूरों का पैसा, मैं INC न्यूज के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप हमारी आवाज को, मेरी आवाज को नहीं मजदूरों की आवाज को प्रधानमंत्री मोदी तक पहुँचाए, यहाँ की सरकार उनको संरक्षण दे रही थी हैं, और उन पर जांच आग बैठा जाए, ईडी जांच हो जाए, इतना संपत्ति कहाँ से लाया गया, और अभी को 2 किलो सोने की चेन पड़ा हुआ है मजदूरों का, है कि क्या क्या हल हो रहा है। ये पूरी चुनाव जो करा रहे हैं इसमें राय साहब सरोज जी का काफ़ी बड़ा भूमिका है, आज उनसे पूछते हैं। राय साहब जी, आप ये पूरा चुनाव करा रहे हैं, 14 तारीख को इलेक्शन, आज नॉमिनेशन हो रहा है, क्या माहौल है, कैसा लग रहा है, कौन इलेक्शन में जीतेगा, उसको कौन पोस्ट मिलेगी, क्या चल रहा है इसमें? पहले तो नमस्कार आप विनय पांडे जी और मुश्ताक चौधरी जी, हमारे इस मजदूर वर्करों का जो शोषण हो रहा है उसको कवर करने के लिए आप आए, INC मीडिया का धन्यवाद। मैं रंगाराव चोगले के जी जो बात बोले, जो हमारे आर लिटन के जनरल सेक्रेटरी, उनकी बातों का समर्थन करता हूँ, वैसा सही हुआ, और जो अशोक उपाध्याय जी ने भी बोला है उनकी बातों का समर्थन करता हूँ, और जो ये मेरे पिता समान है इन्होंने भी जो बोला मैं भी उनकी बातों से, पहले तो मैं ये सब न बोलते हूँ, मैं ये बोलूँगा जो एक मैं उसको अनलीगल तरीके का जनरल सेक्रेटरी मानता हूँ, गंगेश्वर श्रीवास्तव जनरल सेक्रेटरी वो मानता है अपने आप को, लेकिन मैं समझता हूँ वन लीगल है, जो एक लोगों जो हमारे 45,000 वर्कर है जो रोज़ धूप में हर तरीके से अपनी एक जंग की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उन वर्करों को जो गंगेश्वर श्रीवास्तव गुमराह और भड़काने का काम कर रहा है, मेरे पास जो बोलता है कि आज जो ये नॉमिनेशन हो रहा है जो अनलीगल तरीके से, मेरे को कामगार ट्रेड यूनियन ने ये एक लेटर दिया है कि इस चुनाव की प्रक्रिया को कंप्लीट करके अपने चुनाव के प्रोसेस को बायलॉज के हिसाब से अपने कामगार ऑफिस में आके जमा करें, चुनाव की प्रक्रिया को आप लगा सकते हैं, जिसका एक नोटिस गंगेश्वर श्रीवास्तव को जो फेडरेशन आज फेडरेशन में जहाँ पे बैठे उनको फेडरेशन में भी वो उनको गया है, जिसका डिस्पैच का मेरे पास सारे पेपर के पुरावा है, अगर गंगेश्वर श्रीवास्तव को मैं इस मीडियम के माध्यम से चैलेंज करता हूँ, अगर गंगेश्वर श्रीवास्तव ने सही में कुछ सही काम किया है तो इस चुनाव को रोक के दिखाए, इस चुनाव की प्रक्रिया को कहीं भी रोक दें तो मैं समझूंगा मैं गलत था। आज उन्होंने जैसे नॉमिनेशन नहीं रोक पाए और सिर्फ गलत बातें की वायरल करते रहे, और इसी तरीके से 14 तारीख को चुनाव भी होगा और हमारे मजदूर भाई जिसको भी चुन के देंगे वो अपनी जगह पे सीमित होगा, और हमारे जो सीनियर आज हमारे ये यूनियन में कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन शायद हमको गंगेश्वर को भगाने के लिए कुछ पॉलिटिकल लोगों का उस दिन तक सपोर्ट लेना पड़ेगा। उनका बोलना है कि अगर ये लाइट मजदूर जो यूनियन है ये यूनियन के अंदर कुछ पॉलिटिकल मतलब राजनेताओं को इन्वॉल्व करेंगे अगर वो नहीं भागा तो, जैसे कि जब मुझे कुछ उनको कुछ गंदगी जो नगर सेवक और जिला अध्यक्ष जी और भी हमारे बहुत से सीनियर लीडर सेना के कांग्रेस के राष्ट्रवादी के वर्षाताई गायकवाड़ और उनके लोग जो हमारे साथ प्रकाश दादा सूर्य के जैसे सूर्यवंशी जी है जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हर चीज में हर जगह जो हमारे साथ करे, तो इस उस चीज को दूर करने के लिए वो पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व होंगे, लेकिन जैसे राम कदम ने जो आके इस यूनियन को मनमानी करने का, राम कदम के आने से क्या हुआ, राम कदम गलत थे कि नहीं थे उनको पता नहीं, लेकिन मैं बोलता हूँ राम कदम ने एक ही चीज किया, गलत इंसान को बढ़ावा देके गलत यूनियन को बर्बाद करने की कोशिश की। आज 45,000 किसको राम कदम ने बढ़ावा दिया, राम कदम ने गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव को बढ़ावा दिया जो अनलगल जनरल सेक्रेटरी है, जिसके वजह से आज कितने हमारे मजदूर भाई जो ऑफ हो गए जिन मर गए उनके रिटायरमेंट नहीं मिला, और कितने कितने के घरों में जो शादी विवाह हो रहा था जिनका उनके शादी का पैसा नहीं, और कितने लोगों का मेडिकल क्लेम का पैसा नहीं मिला,
ये जो हमारे मजदूर वर्कर तो राम कदम पे आप डायरेक्ट कैसे आरोप लगा रहे हैं? राम कदम जी का इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट था, वो यहाँ के चेयरमैन बने थे और उनके कार्यकाल में वर्कर के चेयरमैन कहाँ के चेयरमैन बने थे? वो अलाइड मजदूर यूनियन के चेयरमैन बने थे और उनके कार्यकाल में इतने वर्करों का शोषण हुआ जितना किसी के कार्यकाल में नहीं हुआ। चेयरमैन है और जनरल सेक्रेटरी वर्करों का रिटायरमेंट नहीं देता है, मेडिक्लेम नहीं देता है। तो अगर तुम चेयरमैन बने हो तो निगरानी रखो, और नहीं कर सकते हो तो छोड़ दो। जो आज की वो पहले कर देना चाहिए था। ये सब जो वर्करों का एक शोषण है ये मैं उन पर ब्लेम करता हूँ। ये चुनाव होने के बाद में चेयरमैन भी चेंज हो जाएंगे? ये चुनाव होने के बाद चेयरमैन नहीं, पूरी कमेटी चेंज हो रही है। पूरी रिफ्रेश कमेटी आएगी, जो एक जो अलाइड मजदूरों के जो वर्कर है एक रिफ्रेश अपनी एक नेता चुनेंगे और जो नेता चुनेंगे वो उस टीम में रहेंगे। यहाँ पे शशि जी जो है जो इसे मेंबर है अलाइड मजदूर यूनियन के और जगदीश स्वामी नन्ना जी के काफ़ी करीबी है। शशि जी बताइए इसके बारे में, आप चुनाव में क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं? मैं इस चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ खुद, और जो फिल्म स्टूडियो सेटिंग अलाइड मजदूर यूनियन में जो घपलेबाजी हुई है, जो जन प्रतिनिधियों का काम था, जो हमारा बायलॉस था और बायलॉस के आधार पे चुनावी प्रक्रिया जो होती थी हर दो साल में, उसे 2013 में जीतने वाले जो जनरल सेक्रेटरी गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव जी, उन्होंने उसको ख़त्म किया है। ख़त्म उनका आज हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी जो यूनियन है जो वर्करों के लिए बनी है कामगारों, उसे 2013 में जीतने वाले जो जनरल सेक्रेटरी गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव जी, उन्होंने उसको ख़त्म किया है। ख़त्म उनका आज हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी जो यूनियन है जो वर्करों के लिए बनी है कामगारों के लिए बनी है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। और आज साल भर से वो ऑफिस कभी कोरोना के नाम पे बंद किया गया है। एक आर्ट डायरेक्टर राजू सप्ते का एक दुखद निधन, जिसकी हत्या हुई, वो हत्या के आरोप में लोग सजा काट के आए हैं और उन्होंने लोगों को बताया है कि ये जो कामगार का ऑफिस है वो गवर्नमेंट ने सील किया है, पुलिस स्टेशन ने सील किया है, ऐसा बता के लोगों को गुमराह करके आज मैं देख रहा हूँ वो जो कामगारों का ऑफिस न खोलते हुए उन्होंने एक वेलफेयर सोसाइटी के नाम पे दूसरी जगह पे ऑफिस खोला है। इससे माना जा रहा है कि सही मायनों में वर्करों का ऑफिस बंद करके अपना ऑफिस चालू करने का काम इन्होंने किया है। उसके खिलाफ़ में हमारी ये जंग है और मजदूर की एकता ये हमारा एक नारा है। आने वाले दिनों में फिल्म स्टूडियो सेटिंग अलाइड मजदूर यूनियन जिंदाबाद के नारे लगेंगे और ये यूनियन कामगारों के हित में सही रहेगी। फिल्म स्टूडियो सेटिंग अलाइड मजदूर यूनियन, ये वही यूनियन है जो पर्दे के पीछे बॉलीवुड में काम करता है, जो काफ़ी स्पॉट बॉय से लेके लेबर जो सेट बनाते हैं, ये उनका पैसे का बड़ा घोटाला हुआ है जिसको फिल्म अलाइड यूनियन लेके एक यहाँ पे नॉमिनेशन भराया जा रहा है और 14 तारीख को इलेक्शन होगा। उसके बाद रिजल्ट होगा कि कौन चेयरमैन बनेगा, कौन वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। स्पॉट बॉय एक स्पॉट बॉय के मतलब है, आपका नाम स्पॉट बॉय का? राम सर नहीं, यादव। यादव जी आप स्पॉट बॉय का काम? हाँ स्पॉट बॉय काम करता हूँ। हाँ आप क्या बोला? मैं लड़ रहा हूँ अभी जनरल सेक्रेटरी फर्स्ट, जनरल सेक्रेटरी फर्स्ट, हाँ ज्वाइंट सेक्रेटरी फर्स्ट। अच्छा, तो मैं गंगेश्वर ऐसा आदमी है कि गंगेश्वर का बड़ाई कोई कर ही नहीं सकता। और यहाँ की गवर्नमेंट, चाहे यहाँ की गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, या का पुलिस डिपार्टमेंट हो या कोई भी हो, लेकिन गंगेश्वर को संरक्षण सब कैसे, आप कैसे पुलिस डिपार्टमेंट पर आरोप लगा रहे कि उनको संरक्षण दिए? क्योंकि प्रेम सिंह ठाकुर ने पैसा चोरी नहीं किया, गंगेश्वर ने प्रेम सिंह ठाकुर पर आरोप लगाया। उच्च लेवल के अधिकारियों से आपने इस सिलसिले में बात किया? बात किया, अधिकारियों ने उनके ऊपर मुक्का लगाया, उनके ऊपर आओ रोज आओ रोज जाओ, दो साल उनको सजा दी, चापर केस लगाया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज तक उसके खिलाफ 13 से लेके आज तक कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जाता है पैसा है उसके बाद वापस आ जाता है। यही हमारे साथ फिल्म स्टूडियो सेटिंग अलाइड मजदूर यूनियन के चेयरमैन प्रेम सिंह ठाकुर जी हैं, जो इस समय उनको थोड़ा शारीरिक रूप से तकलीफ है, पैरालाइज अटैक हुआ है। प्रेम सिंह जी आप क्या बोलेंगे चुनाव के प्रति? सर ये चुनाव तो मैं ही करवा रहा हूँ सर, क्योंकि 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 कितने 4-5 महीने से चुनाव नहीं होता। मैं बोलता हूँ कि मैं ये चुनाव करना ही करना है, हर हालत में करना है, क्योंकि चोरों ने बहुत चोरियाँ की हैं सर, चोरों ने बहुत बहुत। अरे प्रेम जी ठाकुर हमारे चेयरमैन हैं,
इनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है, इनको बोलने की शक्ति नहीं है। और आज लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने हमारी ऑफिस सील किया, ऑफिस सील किया तो ऑफिस से लैपटॉप कैसे गया वो गवर्नमेंट ख्याल नहीं कर रही है, अब बैंक से ट्रांजेक्शन हो रहा है वो गवर्नमेंट ख्याल नहीं कर रही है, जब इसका मतलब गवर्नमेंट ही उनको लेबर कमिश्नर से आपने तो बात किया है इस विषय में? लेबर कमीशन से हमने नहीं बात की, नहीं बात किया सर। लेकिन रोज हो रहा है, जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं, वो हम आपको बता रहे हैं आपके माध्यम से। इनका बोलना है कि यूनियन बंद है इस समय, यूनियन का ऑफिस बंद है, तो बैंक का ट्रांजेक्शन कैसे हो रहा है, लैपटॉप कैसे बाहर जा रहे हैं, इसका भी आरोप लोग लगा रहे हैं। गजानन कीर्तिकर साहब जो है ना सर, उनसे मैंने माफ़ी मांगी थी, मैंने कहा सर आप हैं तो हमारा ऑफिस खुल जाएगा, मैं मीटिंग चाहता हूँ। अगर उसका एक मिनट, अगर वो ऑफिस बंद है तो आपका नाम? मेरा नाम शहाबुद्दीन शेख है, मैं 35580 मेरा कार्ड नंबर है। 2017 में प्रेम सिंह ठाकुर जब इलेक्शन लगाए और इलेक्शन लड़ने लगे तो इनके साथ मैं इन्वॉल्व हुआ, और इन्वॉल्व होने के बाद जब इलेक्शन जीत के आए खालिद खान ये लोग, मैं इनका साथ दिया। उस टाइम से हर काम धंधा बंद हो गया और ना प्रेम सिंह को ठाकुर को ताबा मिला, ना हम वर्कर को मिला, कोई सुनवाई नहीं, कैसे भी नहीं, मैं किसके पास हम लोग ना गए, यहाँ तक कि गजानन कीर्तिकर बाबा के पास गए, वहाँ मदद मांगे, उन्होंने हाँ कहा। ऑफिस का सेबी नगर का डिस्प्यूट हुआ, उसमें हम लोग के ऊपर इल्ज़ाम आया कि ताला तोड़ दिया, हमारे लोग 14 दिन तक अंदर थे, एंटी सेफ्टी बेल मैं भी कराया हूँ और जेल सब जाके आए सारे लोग। अभी हम उठ के यहाँ से माननीय श्री प्रकाश सुरभे साहब आमदार के यहाँ जाके मदद मांगे तो उन्होंने कहा कि भाई कितने वर्कर आपके हैं, अगर आप लोग हक ईमानदारी आते हो मेरे पास तो मुझे आप वर्कर से कुछ नहीं चाहिए, आपका मैं मदद करूँगा। पद्माकर सूर्यवंशी और प्रकाश सुरभे साहब, हम लोग उनके पास गए, वो हमारा चुनाव करा रहे हैं। मेरा नाम शहाबुद्दीन शेख है, मैं 35580 मेरा कार्ड नंबर है। 2017 में प्रेम सिंह ठाकुर जब इलेक्शन लगाए और इलेक्शन लड़ने लगे तो इनके साथ मैं इन्वॉल्व हुआ, और इन्वॉल्व होने के बाद जब इलेक्शन जीत के आए खालिद खान ये लोग, मैं इनका साथ दिया। उस टाइम से हर काम धंधा बंद हो गया और ना प्रेम सिंह को ठाकुर को ताबा मिला, ना हम वर्कर को मिला, कोई सुनवाई नहीं, कैसे भी नहीं, मैं किसके पास हम लोग ना गए, यहाँ तक कि गजानन कीर्तिकर बाबा के पास गए, वहाँ मदद मांगे, उन्होंने हाँ कहा। ऑफिस का सेबी नगर का डिस्प्यूट हुआ, उसमें हम लोग के ऊपर इल्ज़ाम आया कि ताला तोड़ दिया, हमारे लोग 14 दिन तक अंदर थे, एंटी सेफ्टी बेल मैं भी कराया हूँ और जेल सब जाके आए सारे लोग। अभी हम उठ के यहाँ से माननीय श्री प्रकाश सुरभे साहब आमदार के यहाँ जाके मदद मांगे तो उन्होंने कहा कि भाई कितने वर्कर आपके हैं, अगर आप लोग हक ईमानदारी आते हो मेरे पास तो मुझे आप वर्कर से कुछ नहीं चाहिए, आपका मैं मदद करूँगा। पद्माकर सूर्यवंशी और प्रकाश सुरभे साहब, हम लोग उनके पास गए, वो हमारा चुनाव करा रहे हैं और खड़े भी हैं यहाँ पद्माकर जी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के। उनका कहना यही है कि जो भी बंदा हमारे वर्कर जीत के आएंगे हमको ऑफिस का ताबा दिलाएंगे और हमको इंसाफ मिलेगा। तो हम ये समझ रहे हैं कि हम लाख गुना लाखों जगह से दौड़ने के बाद एक अच्छे आमदार के पास पहुँच गया हूँ, जाके हमारा हमारे वर्कर का भला हो चुके। 10 करोड़ क्या लगता है मेरे पास, मैं भाड़े के रूम में हूँ, आज 10 साल हो गया काम नहीं किया हूँ, 10 करोड़ का केस मेरे ऊपर है, प्रेम सिंह ठाकुर के ऊपर है और 2-3 लोग उपाध्याय के ऊपर है, ताकि हमारे खाने के भी ठिकाना नहीं, हर एक अगर बेचा हूँ तो घर का औरत से लेके बच्ची का कान नाक का बेच के खाया हूँ, अभी तक अब खाने का ठिकाना नहीं रहा। प्लस तुम्हारा ये लॉकडाउन हुआ था, 2-4 लोग आके मुझे बोले भाई गंगेश्वर दे रहा है, गंगेश्वर नहीं लाया था, उसके मोहब्बत में वर्कर के मैंने गंगेश्वर की तारीफ़ कर दिया कि गंगेश्वर इस महामारी में बहुत अच्छा किया, बाद में मालूम पड़ा मैं खुद बेइज्जत हो गया और गंगेश्वर सब अंदर करके बैठ गया है। मैं आप लोग से विनती करता हूँ कि जिस ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों के अच्छे अधिकारियों से मदद मिले हम वर्कर को, बस आज 500 रुपया कमाने वाला, और जो कि हम उसका जेएस है उसका 500 रुपया महीने रोज का मिलता है, उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है और 100 करोड़ का घोटाला किया है, यहाँ से लेके बिरार से लेके यूपी बनारस मिर्ज़ापुर जौनपुर और लखनऊ में सब प्रॉपर्टी उसने बना के रखा है, वहाँ के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों उसका सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।
फेडरेशन जो फिल्म इंडस्ट्री की सब एसोसिएशन की मदर बॉडी है, उसका काम होता है कि हर एसोसिएशन का इलेक्शन लोकतांत्रिक पद्धति से कराने का उनका कार्य रहता है। ऐसे ही उन्होंने 2017 में इस यूनियन का इलेक्शन कराकर उनको ये यूनियन का ताबा और जवाबदारी नहीं दी, और आज वर्कर अपनी फिल्म स्टूडियो सड़क अलाइन मजदूर यूनियन का इलेक्शन करा रही, जिसका नॉमिनेशन भी 45 उम्मीदवारी अर्ज दाखिल होने के बावजूद भी ये बोलते हैं कि आप करा नहीं सकते, इस तरह का पत्र जारी किया है। तो हम ये मानते हैं कुछ हद तक कि ये फेडरेशन ही इस प्रक्रिया को रोकने की सारी प्रक्रिया करती है और वर्करों का शोषण करती है, और ऐसी फेडरेशन को हम फिल्म सेटिंग अलाइड मजदूर यूनियन उनको बायकॉट करते हैं। आने वाले दिनों में भी इनके बारे में वर्कर ये फेडरेशन के बारे में सोचिएगा। जो वर्कर कौन सी कॉपी आप दिखा रहे हैं? ये फेडरेशन की एक कॉपी है जो अभी अभी मेरे पास आई है, इस तरह की कॉपी है। क्या कॉपी में? कॉपी में लिखा है कि फिल्म स्टूडियो सेटिंग अलाइड मजदूर उनके नाम पे ये इलेक्शन हो रहा है। जो मजदूर है वो फिल्म सेटिंग अलाइड मजदूर यूनियन के वर्कर है, वो उसी नाम से इलेक्शन कराएंगे कि दूसरे के नाम से इलेक्शन कराएंगे? अब ये फेडरेशन जो मदर बॉडी है वो खुद ही जानती नहीं है। हर यूनियन को अपनी चुनावी प्रक्रिया कराने की अनुमति अपने बायलॉज के द्वारा दी गई है और है। कोई भी फेडरेशन हो अगर उसका प्रावधान करने में असक्षम होती है तो हर संस्था को हर यूनियन को अपने बायलॉज के आधार पे उस प्रक्रिया को पूर्ण करने का संवैधानिक रूप से उसको सरकारी ढांचे के रूप से मान्यता है, ये हम जानते हैं। इसलिए आज हमारे सारे मेंबर भाई जो आज की तारीख में 46 उम्मीदवारी अर्जी आई है और 14 तारीख को लोकतांत्रिक पद्धति से ये प्रक्रिया पूरी होगी, और इसकी कॉपी और इसकी वीडियो कॉपी सादर पुलिस स्टेशन, स्थानिक पुलिस स्टेशन, कमिश्नर, एसीपी, डीसीपी और कामगार मंत्री और सभी को इसकी कॉपी दी जाएगी, और मजदूर यूनियन अपने मजदूर यूनियन के ऑफिस में बैठ के मजदूरों का कारोबार करेगी। धन्यवाद।